जालौन में विधानसभा चुनाव के नामांकन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि जिले में तीसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। वहीं 2 फरवरी को इनकी जांच होगी। देखिए, कल जैसे कि आप सभी को अवगत है, क्योंकि फेज में जनपद जालौन में भी चुनाव होना है और उसके लिए कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो कलेक्ट्रेट परिसर में तीनों विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका निरीक्षण कप्तान साहब और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो अपने नामांकन की प्रक्रिया है उसको सम्पन्न कराएंगे। राजनीतिक पार्टियों को कितने लोगों की अनुमति आने की अनुमति है? वर्तमान में एक कैंडिडेट के साथ एक ही व्यक्ति के आने की अनुमति है और मात्र 2 वाहनों के ही आने की अनुमति है। इसके अलावा अगर कोई जुलूस उलूस की अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं, जुलूस रैली इत्यादि की 25 जनवरी तक चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाई गई।